नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना भाई राघव खान, ब्लॉगर। और दोस्तों, बहुत दिनों से भी कोई मेरा खास ब्लॉग भी नहीं आया था, तो अभी तो अगर आप ब्लॉग की बात करें तो यूट्यूब पे जहाँ देखो लखनऊ एंग्री गर्ल चल रही है। तो उसके बाद मैंने भी काफ़ी वीडियो देखी, तो मैं आज उठ के फिर आया अपने खेत पे। मैंने कहा चला अपने तो देसी आदमी है, देसी ब्लॉग बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ अपनी बगिया पे और मैं आपको दिखाऊंगा अपनी बगिया, जहाँ पे हमारे 260 पेड़ जो हैं वो अमरूद के लगे हुए हैं और 65 पेड़ जो हैं वो आम के लगे हुए हैं। और इसमें आपको कटहल भी मिलेगा, लीची का पेड़ है, अनार का पेड़ है और इसमें सारा चौसा का पेड़ लगा हुआ है। और मैं अब आपको दिखाता हूँ अपने खेत का नज़ारा, कुछ खास व्यूज जिसको हम बोल सकते हैं। आइए आप देखते हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे अपने बाग के कुछ खास पेड़े, जिसको हम अभी हमारी बगिया को 15 अगस्त के लिए जो है पूरा एक साल होगा लगा हुआ। और आप इस पेड़े को देख सकते हैं, ये बाग में सबसे छोटा पेड़ा है। और आप इसको चारों तरफ से देखिए ज़रा कि कितना इस पे अमरूद लगा हुआ है। और ये अमरूद जो है, हमने एक बार इसका सारा फल फूल जो था हिला दिया, ये दोबारा से आया है। आप इसकी टहनी देख सकते हैं कैसे नीचे के झुक रही हैं वजन की वजह से। और इसके अगर हम कलम की बात करें दोस्तों, ये तो ये इलाहाबादी सफ़ेदा है अमरूद, और ये कोई सा भी आप इसमें से अमरूद तोड़ सकते हैं, ये 100% सारे के सारे अमरूद लाल निकलते हैं। मैं आपको भी एक अमरूद तोड़ कर दिखाऊँगा, ये मत समझना कि कहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं ये आपको भी प्रूफ दिखाऊँगा। मैं आपको कोई सा भी पेड़ इसमें से एक अमरूद तोड़ कर दिखाऊँगा, ये नहीं आप मैंने ये पेड़ा दिखा दिया तो आप सोचेंगे यही लाल का होगा तो हम इसने यही दिखा दिया। आप मैं दूसरे में से किसी कोई पेड़ा तोड़ के अमरूद तोड़ के दिखाऊंगा, उसमें सारे अमरूद लाल निकल गए। तो आप देखिए अब इस पेड़ की आप पहले हाइट देखिए, पूरी मुझसे भी छोटी है। और आपने इसके अमरूद तो देखे होंगे कि इस पे कितने कितने मोटे अमरूद आ रहे हैं। सॉरी, माफ़ करिए, हम चाकू लाना भूल गए, वरना हम आपको अभी अमरूद तोड़ के काट के दिखाते, इसके सारे अमरूद लाल निकलते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा चाकू ला के, सारे अमरूद लाल होंगे। अब मैं आपको और सारे पेड़ दिखाने वाला हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लीची की पेड़ की तरफ, जहाँ हमने लीची के पेड़ लगाए हैं। हम आपको अब लीची के पेड़ दिखाएंगे। हमारे बाग में दोस्तों सारे पेड़ अभी अवेलेबल हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है हमारा लीची का पेड़ और एक पेड़ इसका और है, दो पेड़ हैं पूरे बाग में हमारे लीची के। और दूसरा वाला पेड़ भी माशाल्लाह अभी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, इस पर भी एक साल के अंदर अंदर फल आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये है हमारे बाग में एक चौसे का पेड़, जिसको 15 अगस्त के लिए पूरा एक साल होगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप जरा इस पेड़ों को दिखाइए पूरे सही से, इसकी क्या हाइट हुई है एक साल में और ये कितना अच्छा चल रहा है। यही नहीं, हमारे बाग में ऐसे और बहुत सारे पेड़ जो हैं वो चल रहे हैं बहुत अच्छे तरीक़ा से। आप इसको पहले पूरे तरीक़ा से देखिएगा। अरे थोड़ा मोवी दिखा दे रहे का पेड़ों ही दिखाए हो। हाँ सब ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको, आप ये देखिए। और आगे चलिए, मैं आपको और ऐसे सारे और पेड़ दिखाता हूँ। तो अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, डिस्टेंस, तो ये 28 फीट पे आम का एक पेड़ लगा हुआ है। एक आम की पेड़ ही दूसरे आम के पेड़ से 28 फीट की दूरी है, चाहे आप लंबाई में ले लें इधर या चाहे ऐसे आप चौड़ाई में ले लें, ताकि ये बड़ा आगे हो के बड़ा हो तो काफ़ी आराम से फैल फूट सके। जब तक ये आम का पेड़ होगा तब तक ये हमारी बगिया जो है कटने के वो तैयार हो जाएगी और ये बगिया ख़त्म हो जाएगी, ओनली आम के पेड़ रह जाएंगे इसमें। सेफ्टी के बारे में बताएं तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि हमने ये ऐसे चार तार लगा रखे हैं और ये तार बहुत ज़्यादा तेज़ वाला है, जिसको ब्लेड वाला तार बोलते हैं। आप इसको अपने खेत में लगाइए सेफ्टी के लिए। और हमारे खेत में आप जो ये पोल देख रहे हैं, ये 75 पोल लगे हुए हैं। इन 75 पोल पे चौकड़दा हमने ये चार तार पूरे पूरे कस रखे हैं, ताकि कोई जानवर हमारे खेत में घुस नहीं पाए। उसी की वो है कि आज एक साल के अंदर आप देख सकते हैं पूरी बगिया कितनी अच्छी चल रही है। और आम, और इसमें अगर हम मेहनत की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे पापा का रहा है, उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की है, दिन और रात उसमें उन्होंने एक कर दी है। और आगे दिखाता हूँ मैं आपको, आइएगा ये देखिएगा आप, ये चीकू का पेड़ है, इसको भी अभी एक साल हुआ नहीं है पूरा और ये भी ठीक ठाक खूब अच्छा चल रहा है। और अगर हम यहाँ खेत की मिट्टी की बात करें तो ये रेतली ज़मीन है, जहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा जल्दी अच्छे बड़े होते हैं।
दोस्तों आइए अब मैं आपको पूरी बगिये का व्यू दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह अब मुझे इंजन के ऊपर खड़ा होने पड़ा है, इसके वजह से आप सो पूरे पूरे आ पा रहे हैं। और आप ये देखिए कि बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये था हमारा आज का ब्लॉग। और दोस्तों आपको अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें। और दोस्तों अगर आप किसी भी किसान भाइयों को हमारे तरह बाग तैयार करना हो या बगिये लगाने हो तो वो आके कमेंट करें, अपना नंबर दें या मेरे जीमेल आईडी पे, क्या कहते हैं, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन अपनी जीमेल आईडी डाल दूंगा, उस पर मेरे को हाई करें, हम उनको सारे पेड़ अवेलेबल कराएंगे। ये हमारी पूरी गारंटी है।